हेलो फ्रेंड्स, वेलकम गेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लिख रहा हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनल वेरिएबल्स के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने फाइनल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम फाइनल वेरिएबल्स या फिर फाइनल डेटा मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनल जो कीवर्ड है, इसका मतलब सेम ही होता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स को फाइनल बनाया था, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई डिराइव क्लास में हमारे मेथड्स को ओवरराइड करे, ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल्स का मतलब भी यही होता है। लेट्स से अगर मैं किसी बेस क्लास में एक वेरिएबल या फिर एक डेटा मेंबर डिफाइन करूं और उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दूं, तो अगर मैं ये नहीं चाहता कि उस वैल्यू को डिराइव क्लास में कोई चेंज करे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को या फिर उस डेटा मेंबर को मैं एज अ फाइनल डेटा मेंबर डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसका कैसे यूज होता है। तो लेट से यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे लेट से मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। बेस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने 10 को असाइन करवा दिया। अब जो ये डिराइव क्लास है, ये बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब कि जो ये ए वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली डिराइव क्लास के अंदर भी यहाँ पे आ चुका है। तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके, मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं, और सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिस्टम, इसको मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ ओबी डॉट ए, ठीक है। ओबी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है और ए को ये एक्सेस कर सकता है क्योंकि ए बेस क्लास का वेरिएबल है, तो जो डिराइव क्लास है वो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू को, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कंपाइल करूँगा। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा सी, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मेथड, अपनी फाइल का नेम मेथड अंडरस्कोर ओवरराइडिंग डॉट जावा, मेथड अंडरस्कोर ओवरराइडिंग डॉट जावा। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन भी हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ए की वैल्यू जो 10 है यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे डिराइव क्लास फंक्शन यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे शो फंक्शन को भी कॉल किया है, और हमारा डिराइव क्लास का शो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे ओवरराइड किया है। ये हमारी पिछले वीडियोस का कोड है, अगर इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये शो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ शो को, आपको बेकार में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये शो फंक्शन पता नहीं दो बार क्यों डिफाइन करें हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने मेथड ओवरराइडिंग के वीडियो में पहले से ही कवर करके रखा है, ठीक है। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग की वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी जावा ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है, आप उस पर जाकर मेथड ओवरराइडिंग की वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने सिर्फ ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो इसको मैं दोबारा से कंपाइल करके इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो ए की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं कि कंपाइल होता है या नहीं। तो ये यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो ये हमारा रन भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें 10 यहाँ पे वैल्यू हमें प्रिंट हो रही है, ठीक है। 10 किसकी वैल्यू है, ए वेरिएबल की। लेकिन अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ओबी डॉट ए इज इक्वल टू 20, ठीक है। पहले ए में क्या था, 10 था, बाद में ए में मैंने क्या असाइन करवा दिया, 20 असाइन करवा दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से सेव करके इसको दोबारा से कंपाइल करूं, ठीक है, दोबारा से रन करके देखते हैं इसको कि अब हमें क्या प्रिंट होके यहाँ पे मिल रहा है, देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। ये कंपाइल हो चुका है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए अब 20 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले हमने जब ए को डिफाइन किया था तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया तो ए की वैल्यू 20 होगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि एक बार जो वैल्यू मैंने ए में असाइन कर दी है वो चेंज ना हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फाइनल यहाँ पे कर दूंगा।
अब अगर मैं किसी वेरिएबल को फाइनल कर दूं तो उसके बाद दोबारा मैं फिर कहीं पे भी उसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सेव करूं, अब सेव करके इसको दोबारा से रन करूं तो ये अब हमें एरर थ्रो करेगा। एरर देखते हैं कि हमें क्या थ्रो करता है। तो ये अब हमें एरर थ्रो करेगा। तो ये देखिए, इसने अब हमें एरर थ्रो कर दिया। क्या बोल रहा है? कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि हम किसी फाइनल वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसको ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू असाइन हो चुकी है। ठीक है जी, तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके किसी वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से कोई चेंज करे तो आप उसको एज अ फाइनल वेरिएबल उसको डिफाइन कर दो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।